अभी राहुल बाबा एंड कंपनी जिसमें ममता दीदी भी शामिल है बहुत खुश हो रहे हैं कि आप सपना देख रहे थे मध्य प्रदेश में राजस्थान में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। राहुल बाबा संसद में बोलते हैं कि हमने हरा दिया हरा दिया हरा दिया। राहुल बाबा जो हारता है वो विपक्ष में बैठता है और वो जो जीतता है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। इतनी सामान्य बात भी आपको मालूम है। हम 240 आए, मखौल उड़ाते हो, अहंकार में आ गए हो। राहुल बाबा 14, 19 और 24 तीनों चुनाव का आपका टोटल भी 240 नहीं होता है। ये राहुल बाबा एंड कंपनी जिसमें ममता दीदी भी शामिल है बहुत खुश हो रहे हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि आप सपना देख रहे थे मध्य प्रदेश में राजस्थान में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। आप सपना देख रहे थे ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। आप अभी अभी स्वप्न देख रहे थे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का काम हरियाणा में करा। और मैं आज बंगाल के कार्यकर्ताओं को कहकर जाता हूं महाराष्ट्र और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। भाइयों बहनों 2024 के लोकसभा के चुनाव में राहुल बाबा संसद में बोलते हैं कि हमने हरा दिया हरा दिया हरा दिया। मुझे तो मालूम नहीं है राहुल बाबा को उनके साथी भी क्यों नहीं समझाते हैं। राहुल बाबा जो हारता है वो विपक्ष में बैठता है और वो जो जीतता है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। इतनी सामान्य बात भी आपको मालूम है। मैं आपको बताने आया हूं इंडी अलायंस वाले सारे नेताओं को इस देश में 60 साल के बाद कोई एक नेता के नेतृत्व में कोई भी पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। हम 240 आए, मखौल उड़ाते हो, अहंकार में आ गए हो। राहुल बाबा 14, 19 और 24 तीनों चुनाव का आपका टोटल भी 240 नहीं होता है। आपका टोटल भी 240 और आप जितने साथी हो वो सबका टोटल भी 240 से कम है। मगर उनका तो गणित ही अजीब है। वो कहते हैं कि हम चुनाव जीते हैं, हम चुनाव जीत गए। अब उनको अपने स्वर्ग में रहने दीजिए।